हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा चैनल। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ मैं आपको बताता हूं कुछ और भी जानकारी जो आपके स्टैटिक नॉलेज को बढ़ा सकती है, या इस जानकारी पे बेस्ड कुछ और भी सवाल बन सकते हैं आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में। सो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द एंटी कोविड पिल मोलनुपिरावीर, कोविड रोधी गोली मोलनुपिरावीर को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यहां पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया, चाइना, ब्रिटेन या अमेरिका। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहां पे है ब्रिटेन। जी, तो ब्रिटेन ने यहाँ पे जो कोविड रोधी गोली है या कोविड रोधी जो दवा है, ड्रग है, उसको मंजूरी देने वाली पहली कंट्री बन गई है। और इस दवा का नाम है मोलनुपिरावीर। नाम अच्छे से आप याद कर लें और कंट्री का नाम याद कर लें कि किसने इसको पहले अप्रूव किया है। जी, तो यहाँ पे ब्रिटेन ने इस मतलब इस दवा को बकायदा ऑथोराइज कर दिया है, बकायदा इसके लिए ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। राइट, मैं आपको बताऊं कि मोलनुपिरावीर जो है बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट दवा बन जा रही है, बिकॉज ये कोविड 19 के पेशेंट को दी जा सकती है। और ये जो दवा है वो जो पेशेंट हैं उनके हॉस्पिटलाइजेशन या उनकी डेथ के जो रिस्क हैं उसको काफी हद तक कम करती है। राइट, और अगर इसके डेवलपमेंट के टर्म में बात की जाए तो इसको डेवलप किया गया है मार्क एंड रिजबैक बायोथेरेपेटिक्स बायोफार्मा कंपनीज के द्वारा इसको बनाया गया है। राइट, इसके बारे में डिटेल में आप जरूर पढ़ सकते हैं। राइट, और साथ में आपको यह भी जानना चाहिए कि पैरेलल में और कौन से ड्रग्स हैं जिन पर रिसर्च चल रही है, जिन पर काम चल रहा है या जिनका ट्रायल चल रहा है। राइट, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप इसको सर्च करिए, याद करिए। और मैं आपको बताऊं कि कोविड 19 से रिलेटेड जितना भी डेटा है, चाहे वो पेशेंट के टर्म में हो, चाहे वो वैक्सीन के टर्म में हो, चाहे वो रिसर्च के टर्म में हो, या कोई भी नया अपडेट आ रही है, आप हमेशा इसके टर्म में अपडेट रहिए। क्वेश्चन हर जगह हर एग्जाम में कहीं ना कहीं बनने हैं। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है COVID-19, इसको आप इसके किसी भी पॉइंट को आप मिस मत करिएगा। राइट, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज रिसेंटली अप्रूव्ड विच बैंक एज एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। आरबीआई ने हाल ही में सरकारी कारोबार के संचालन के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में मंजूरी दी है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे है बंधन बैंक। जी, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये नाम अच्छे से याद कर लेना चाहिए, बंधन बैंक। ये ऑथराइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होनी हैं उनके लिए ऑथराइज किया गया है बंधन बैंक को। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आप अच्छे से याद कर लें, मतलब कि ये एक एजेंसी बैंक के रूप में काम करेगी। और साथ में मैं आपको बताऊं कि ये जो बैंक है वो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए और स्टेट टैक्सेस के कलेक्शन के लिए भी ऑथराइज किया गया है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑथराइजेशन हुआ है वो किन शर्तों पे हुआ है, किन पॉइंट्स पे हुआ है, वो भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और ये भी जानना चाहिए कि और कितने बैंक है जिनको गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए, गवर्नमेंट बिजनेसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑथराइज किया गया है ऑलरेडी। राइट, तो वो लिस्ट भी आपको निकालनी चाहिए, उसकी एक बकायदा लिस्ट बनानी चाहिए और आपको याद कर लेना चाहिए। इकोनॉमिक कॉमर्स सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन काफी बनते रहते हैं। राइट, तो इसको आप ढंग से पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड गैलगुट ऑफ साउथ अफ्रीका हैज वॉन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज 2021 फॉर विच नॉवेल। दक्षिण अफ्रीका के डायमंड गैलगुट ने किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आर्कटिक समर, द प्रॉमिस, द इम्पोस्टर, द क्वेरी। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है द प्रॉमिस। जी, तो ये नॉवेल है जो कि डेमन गैलगुट ने लिखा है, बहुत ही एक तरीके से इम्पॉर्टेंट नॉवेल है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। अगर इसके सब्जेक्ट के टर्म में हम बात करें तो ये जो उपन्यास है वो अमेरिका की जो रेसिस्ट हिस्ट्री रही है उस रेसिस्ट हिस्ट्री के दौरान एक वाइट फैमिली की कहानी को बताता है। राइट, और एक्चुअल में ये कहानी क्या है, किस तरीके से इसको लिखा गया है, अगर आप बुक पढ़ने का शौकीन हो तो जरूर आप इस नॉवेल को पढ़ सकते हैं। राइट, तो आपको ये नाम अच्छे से याद कर लेना चाहिए, डेमन गैलगुट, और इन्होंने किस उपन्यास को लिखा है द प्रॉमिस। बाकी यहाँ पे ये जो ऑप्शंस गिवन है ये मैं आपको छोड़ता हूँ, ये नाम क्या है एक्चुअली में। राइट, आप डिटेल में जरूर जाइए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बुकर प्राइज की बात की जा रही है। बुकर प्राइज अभी तक किन किन लोगों को दिया जा चुका है और किस किस
नॉवल के लिए दिया गया। एटलीस्ट आपको पिछले 5 साल की एक लिस्ट तो जरूर बनानी चाहिए, उसका डेटा जरूर आपको याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल बन चुका है और आगे भी बनता रहेगा, राइट। तो बुकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, किस किस टाइप की रचना के लिए दिया जाता है, मतलब कि किस टाइप की राइटिंग के लिए दिया जाता है, ये भी आपको पता करना है। और स्पेशली इसमें जो पुरस्कार राशि है या किस तरीके से इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है राइटर को, ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर याद करना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO has approved emergency use of Covaxin. Which Indian company has made this vaccine? WHO ने कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन किस भारतीय कंपनी ने बनाई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, भारत बायोटेक, सन फार्मा, सिप्ला या कैडला हेल्थ केयर। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है भारत बायोटेक। जी, तो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको फाइनली अब WHO ने भी अप्रूव कर दिया है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि ये जो अप्रूवल हुआ है वो 18 years and above, मतलब कि 18 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए अप्रूव किया गया है WHO के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये एक तरीके से इंडिया की जो एक जर्नी है COVID-19 के वैक्सीनेशन के टर्म में, तो उसमें एक मील का पत्थर जरूर साबित हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि कोवैक्सीन अभी तक इंडिया में ऑलरेडी काफी यूज की जा चुकी है, मतलब इसको काफी लगाया जा चुका है, और एक्चुअल में इसका डेटा क्या है ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और किन किन कंट्रीज ने कोवैक्सीन को अलाउ किया हुआ है या कोवैक्सीन को बकायदा उसका ऑर्डर देते हैं, और कोवैक्सीन के अलावा इंडिया में और कौन सी वैक्सीन है जो WHO से अप्रूव्ड हो चुकी हैं, ये भी आपको डेटा निकालना है। और ये भी निकालना है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वैक्सीन हैं किनको किनको WHO ने अप्रूव किया हुआ है, राइट। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के बिल्कुल मत चलिए कि जो भी वैक्सीन लग रही हैं किसी भी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में उन सबको WHO ने अप्रूव किया है, ऐसा नहीं है। आपको बकायदा एक डेटा निकालना है कि कौन कौन सी वैक्सीन इस समय पूरे वर्ल्ड में लग रही हैं और किनको बकायदा एक तरीके से मतलब कि ऑफिशियली WHO ने अप्रूव किया हुआ है, तो ये आपको डेटा जरूर निकाल लेना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि कोवैक्सीन जो है वो दूसरी कंट्रीज में भी यूज किया जा रहा है ऑलरेडी, मतलब कि अगर हम बात करें अगर मैक्सिको की, ग्वाटेमाला, निकारगुआ, गुएना, वेनेजुएला, इवन मॉरिशस, तो इन सारी कंट्रीज में कोवैक्सीन अलाउ किया जा चुका है, उसको अप्रूव किया जा चुका है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवैक्सीन को जितना डिटेल में आप हो सके पढ़ लें, और ये जरूर आप याद रख लें कि किस कंपनी ने इसको बनाया है। जी, तो इसको बनाया है भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक, और साथ में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है यानी कि ICMR है, उसने भी इसमें इनकी असिस्टेंस दी है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहां पे ICMR का भी रोल है, राइट, इस वैक्सीन को बनाने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों नाम याद कर लें, और जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल में आप इसमें जरूर जाएं कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो WHO से अप्रूव्ड हैं, राइट, क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैंपेन गो टू विलेज 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट्स गवर्नमेंट। अभियान गो टू विलेज 2.0 किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मणिपुर। सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है मणिपुर। जी, तो मणिपुर राज्य की सरकार ने गो टू विलेज 2.0 अभियान शुरू किया है, कैंपेन शुरू किया है। गो टू विलेज अभियान जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये 2.0 है, यानी कि इसका ये दूसरा फॉर्मेट है, राइट। और इस अभियान के तहत जो उद्देश्य है वो ये है कि सरकार की यानी राज्य सरकार की जो गवर्नेंस है, जो बेसिक स्कीम्स हैं या जो प्लानिंग है, प्रोग्राम्स हैं, उनको डोर स्टेप तक पहुंचाया जाए, मतलब कि एक तरीके से लोगों के दरवाजे तक ये सुविधाएं या जो स्कीम्स हैं, जो प्लानिंग और प्रोग्राम्स हैं, उसको पहुंचाया जा सके, ताकि जो बुनियादी सुविधाओं से रिलेटेड स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उनके लिए लोगों को जद्दोजहद ना करनी पड़े, उसके लिए लोगों को बाहर ना निकलना पड़े, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं, राइट। जब इसकी लॉन्चिंग की गई गो टू विलेज 2.0, तो साथ में वहां के जो CM हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने और भी स्कीम्स को लॉन्च किया है, लाइक ई सपोर्ट स्कीम, मणिपुर स्टार्टअप स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इन सारी चीजों से रिलेटेड इन्होंने अनाउंसमेंट की है और चीजों को लॉन्च किया है। क्या है एक्चुअल में, किस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया है, किस प्रोग्राम को, किस स्कीम को लॉन्च किया है, डिटेल में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और खासतौर पर गो टू विलेज फॉर्मेट को, गो टू विलेज कैंपेन को डिटेल में तो जरूर पढ़ लेना चाहिए, राइट।
दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेंगे, या इनसे रिलेटेड कुछ और भी सवाल बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इनके हर एक पॉइंट में डिटेल में जरूर जाएं और जितना हो सके उसको याद करें, नोट करें, ताकि एग्जाम में किसी भी पॉइंट पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप उसको मिस ना कर पाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे भी आपको दी जाती रहती हैं, वो भी आपसे मिस ना हो, राइट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स की न्यूज दी जाती है। डिफरेंट फील्ड्स की जो न्यूज होती है वो आपको पॉइंट वाइज वहां पे दी जाती है, यानी कि आपको बहुत ढेर सारा कॉन्टेंट नहीं पढ़ना होता है, टू द पॉइंट वहां पे कॉन्टेंट दिया रहता है ताकि आप उसको आसानी से याद कर पाए, आसानी से उसको नोट कर पाए, और एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज करके जा पाए ताकि क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।